क्या नाम है आपका? रवि शंकर। क्या एज है आपकी? 28। 28। कहाँ से आए? साउथ ऑफ। ठीक है, ये बताइए यहाँ पे जो हमारे डिवाइस हैं जितने भी रखे हैं, तो इनमें से कौन एसी करंट पे चलता है, कौन डीसी करंट पे चलता है? ये डीसी है। ये क्या है? प्रेशर सेंसर, वाटर सेंसर। ठीक है, बस बस, यानी आपने ये दो डिवाइस निकाल दिए, बाकी सब एसी करंट से सारे से। मुझे लगता है ये भी डीसी से चलता है। अच्छा, ये सब निकाल दिया ना? मैंने कहा था सारे, आपने शायद मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं। प्रेशर सेंसर सारे चलते हैं, और ये इधर भी रखा, इसको भी आपने नहीं अलग किया था। हाँ, ये। और एक बात बताइए, इसमें कौन सा डिवाइस हमारा मैकेनिकल है? ये क्या है? ये टाइमर वास्ट, स्पिन टाइमर। ध्यान से जवाब दीजिए, आपने अभी वाश कहा है। स्पिन, स्पिन टाइमर है। ठीक है, अच्छा वाश टाइमर जो हमारा रखा है, क्या ये मैकेनिकल नहीं आ सकता? नहीं, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है। मैकेनिकल नहीं आता, मतलब आपके हिसाब से मैकेनिकल आता है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक जो है इसमें चार तार दिए हुए हैं, किस किस लिए? इसमें मोटर लगी है एक, इसमें चार तार हैं, एक न्यूट्रल गया है, एक फेस गया है। ठीक है, तो वो मोटर चलती है। अच्छा, और ये दो गए हैं मोटर के लिए। मोटर के किस पॉइंट पे लगते हैं ये? ये रनिंग स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग। क्या काम करते हैं ये मोटर को? दोनों तरफ करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप मुझे इनमें से वो दो तार बताइए जिसमें हम लाइन न्यूट्रल देते हैं। क्या आपका प्रोब पकड़ने का तरीका सही है? नहीं। फिर ये दो है। कौन से? ये दो, ये दो। इसमें आप क्या दोगे? इसमें न्यूट्रल देंगे, इसमें फेस देंगे। अच्छा, और यहाँ से क्या आउटपुट निकलेगा? इससे यहाँ से फेस निकलेगा। जरूरी है फेस ही? हाँ, फेस ही। न्यूट्रल नहीं निकल सकता? मैं अगर इधर दोनों तारों को इंटरचेंज कर दो तो? किधर? वहाँ पे कर दो तब भी फेस ही निकलेगा। हाँ, अब यहाँ पे इंजेक्ट वाल्व रखा है, तो क्या होगा अगर ये खराब हो गया तो? पानी आता ही रहेगा, कुछ कंडीशन में नहीं भी आएगा। अब कुछ कंडीशन में नहीं आएगा, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती, दोनों चीज़ें। तो आपको एक ही बता रहे हैं कि यही पानी को पड़ाव में, एक ही बता रहे हैं कि सॉरी पानी आता रहेगा, पानी आता रहेगा, नहीं भी आएगा। एक बात बताओ मुझे, ये जो हमारे यहाँ इनलेट वाल्व यूज़ किया जाता है, किस वोल्ट से चलता है? ये चलता है एसी वोल्ट। एसी वोल्ट पे कितने? 230 220। अच्छा, हमारे इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ना आपको कितना आ रहा? इसका रेजिस्टेंस 4.61 किलो ओम्स आता। अगर इसको ओम्स में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 4000 कुछ आएगा। 4000 कुछ? 4610। तो इसको इन पिनों से बॉडी में टच करेंगे, कंटिन्यू की देगी, क्योंकि बॉडी में उस टच हो गई है। क्या टच हो गई है? ये वायर, इसको उनको क्या कहते हैं?
अब मुझे ये बताओ ये कौन सी मोटर है? ये सेमी ऑटोमेटिक की है वाच मोटर। वाच मोटर, ये इसके ऊपर क्या लगा है? पुली। पुली, और ये? ये हवा, ये इसको ठंडा करती है, ये फैन एक तरह का है। ये पुली किसे घुमाती है? ये वाशरूम को घुमाती है, गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स को घुमाती है, ये गियर बॉक्स को घुमाती है, जिसकी वजह से आपका पल्सेटर गर्म नहीं होता। आप गर्म बता रहे हो, आवाज कम होता है, गियर बॉक्स को घुमाते हैं, पल्सेट होता है। अच्छा, वॉशिंग मशीन में फिल्टर लगे होते हैं ना? लेंट फिल्टर, क्या काम होता है उसका? जो कपड़ों के रेसा होते हैं उनको एग्जॉस्ट कर लेता है। मुझे ये बताओ ये पुली किस से खुलेगी? एलंकी से। कितने नंबर? 7 या 8 नंबर। मुझे तो लगता है 4 नंबर से खुलेगी, इसके नंबर को पता नहीं। खोली है आपने? हाँ, खोली पर एलंकी का नंबर नहीं देखा। ये तो बहुत गलत किया आपने। चलिए जा सकते हैं।